रीवा में लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते एक कच्चा मकान गिर गया। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। जहां हादसा हुआ वहां तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, इस कारण रेस्क्यू टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। रीवा के गढ़ थाना के गुचियारी गांव में घर गिरने से चार लोगों की दबकर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। मलबे के नीचे दबे चार शवों को मलबे से निकाला गया है, जबकि दो घायलों को निकालकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगेव भेजा गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर SDM मनगवा के बी पांडे, SDOP एस के निगम सहित अन्य प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है। उक्त मकान मनोज पांडे का था। मकान गिरने के कारण मनोज पांडे का पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया, जिसमें उनकी पत्नी, दो बेटियां, एक बेटा है। इस इलाके के ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में सड़क ना होने के कारण बेहतर सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इस घटना में भी राहत दल समय पर नहीं पहुंच सका, जिस वजह से समय पर रेस्क्यू का काम शुरू नहीं हो पाया और घायलों की मौत हो गई। हालांकि ग्रामीणों ने पुलिस के साथ बचाव काम शुरू कर दिया था। गाँव तक पहुँचने में प्रशासन को 2 घंटे का समय लग गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।